أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا مولا کائنات نے اپنی کتاب ابدی میں ارشاد فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو کافر ہو چکے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا اولیاء سمجھتے رہیں گے دوست سمجھتے رہیں گے مددگار سمجھتے رہیں گے اور میرے سوا میرے بندوں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا کارساز بناتے رہیں گے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم میں مہمان خانہ بنا رکھا ہے ایسے مشرک مہمانوں کو ہم جہنم کے مہمان خانے میں رہائش دیں گے جو میرے بندوں کو میرے سوا اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والے اللہ نے بتایا کافر ہیں اور کافروں کی جگہ جہنم ہے مولا کائنات نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين کائنات کے رب نے تمہیں حکم دیا ہے لوگوں ادعونی کوئی مشکل پڑ جائے تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے اور مشکل مقام میں پھنس جاؤ ادعونی مجھے پکارو اور مجھ سے مشکل کشائی چاہو اور مجھے آواز مارو مجھ ہی سے دعا مانگو استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور تمہاری مشکل کشائی حاجت روائی میں کروں گا چونکہ اللہ کے سوا کارخانہ کائنات میں کوئی کارساز مشکل کشا حاجت روا نہیں ایک اللہ ہی ہے جو کارخانہ کائنات کے تمام مشکلات پیدا بھی وہی کرتا ہے ٹالتا بھی وہی ہے تمام اسباب کا خالق
अल्लाह है और वो तमाम तर कासिबीन के कस्बे गलत पर जो मुसीबतें डालता है और उन मसाइब को डालने वाला भी वही अल्लाह है। इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं और मेरी इबादत से मुंह फेरते हैं, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, अन करीब वो जहन्नम में जलील होकर रुस्वा होकर दाखिल होंगे। इस आयत मुकद्दसा में मौलाए कायनात ने इस बात को वाज़े कर दिया है कि जो अल्लाह ने कुरानी आकामात इंसानों की जाने भेजे हैं उनका कोई इनकार करे तो भी काफिर है और उनका इनकार ना करके उन पर अमल ना करने वाला भी जहन्नम में जाएगा, जलील होगा, रुस्वा होगा और वो भी असल में मुसलमान नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों पर नमाज फर्ज की है, रोजा फर्ज किया है, जकात को फर्ज किया है, सदकात खैरात करना लाजिम किया है। मौलाए कायनात ने झूठ से बचना इंसानों पर फर्ज किया है, गलतकारी से बचना फर्ज किया है, शराब कबाब के इस्तेमाल से बचने को फर्ज करार दिया है, बेहयाई और बुराई के तमाम असबाब से बचना भी अल्लाह ने फर्ज कर दिया है, कत्ल डकैती जिना लिवातत बदकारी और धोखाबाजी, कम तोलना, झूठ बोलना, गीबत, जासूसी और जुल्म, तशद्दुद, नाजायज तकालीफ पहुंचाना और नाजायज नुकसानात देना और नाजायज किसी को सताना, इन तमाम चीजों से अल्लाह ने मना किया और इन आकामात को रब ने इंसानों पर फर्ज किया है कि इन पर अमल करो, बुराई के करीब ना जाओ और अल्लाह की मफरूजा इबादात और भलाइयों को ना छोड़ो, हर मुमकिन सच कहो और सच्चों के साथ रहो, झूठ से बचते रहो, बुराई से बचते रहो, जुल्म से बचते रहो, जालिम ना बनो, नुकसान देने वाले ना बनो, वरना जालिम का खात्मा खराब होगा और जालिम अपनी जजा अंजाम कार को यकीनन पहुंचेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, दुनिया में ना सही तो आखरत में लाजिमन। जालिम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिर होगा और उसकी सजा जहन्नम होगी। अब जालिम कौन है? यकीनन हर वो बंदा जालिम है जो अल्लाह के अहकामात को तोड़ता है, हाँ वो मर्द है या जनानी, जो भी अल्लाह की इबादात से मुंह फेरते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के आकामात से मुंह फेरते हैं, अल्लाह की याद से एराज करते हैं, ये सब जालिम हैं और जालिमों का ठिकाना यकीनन जहन्नम है।
अल्लाह पाक ने बात बताई, कोई मुश्किल परेशानी पेश आए, उदउनी मुझे बुलाओ, मुझे पुकारो, मुझे दरखास्त पेश करो, मुझसे दुआ मांगो, अस्तजीब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। और जो लोग मेरी इबादत से मुंह फेरते हैं, जकात नहीं देते, नमाज नहीं पढ़ते, हज फर्ज है हज नहीं करते, और सच बोलना फर्ज है सच नहीं बोलते, और झूठ से बचना फर्ज है झूठ से नहीं बचते, और धोखे से बचना फर्ज है धोखा देने से नहीं गुरेज करते, और जुल्म करने से परहेज करना फर्ज है वो नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया, जो भी मेरे इबादात से तकब्बुर करता है, बड़ाई करता है, मेरे आकामात से मुंह फेरता है, अन करीब वो जहन्नम में जलील होकर दाखिल होगा, उसके लिए कोई माफी नहीं और उसके लिए कोई सफारशी नहीं होगा और उसकी कोई सुनी नहीं जाएगी। मौलाए कायनात ने माली इबादत के बारे में भी इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौम। इल ईमान वालों, अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, हमारे दिए हुए रिज़्क से हमारे रास्ते में खर्च करते रहो, मोहताजों यतीमों गरीबों मिस्कीनों को देते रहो, और फर्जी इबादात भी जकात अदा करते रहो, और इन्फाक फी सबीलिल्लाह भी करते रहो। मिन कबले अन यातिया यौम, उस दिन के आने से पहले ये तमाम तर इबादात कर लो। ला बैउ फीहे, उस दिन में कोई सौदागरी खरीदो फरोख्त बाजार मंडी नहीं होगी, और कोई अमल कारोबार कोई शुगल नहीं होगा। वला खुल्लतुन, कोई दोस्ती यारी वहां कोई पीरी मुरीदी नहीं चलेगी, और वहां कोई मौलवियत और मुंह मुहाबा नहीं होगा। वला शफाअतुन, उस दिन कोई सिफारिश नहीं होगी और कोई सिफारशी नहीं होगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जालमों बेईमानों बदकारों बेहयाओं की कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा, जालमों को बचाने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं, वल काफिरूना हुमुज़्ज़ालिमून, जो भी मेरी इबादत से गुरेज़ा रहते हैं और तकब्बुर करते हैं, बड़ाई करते हैं, नमाज के करीब नहीं आते, ज़कात के करीब नहीं आते, अल्लाह की राह में मसाकीन यतामा गुरबा पर कुछ भी खर्च नहीं करते, और दुनिया को धोखा देते हैं, बटोर बटोर के खा जाते हैं लोगों से, रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐसे सालिम काफिर अपने किए हुए अंजाम को यकीनन पहुंचेंगे और उनके लिए कोई सिफारशी नहीं होगा। सबसे बड़ी धोखे की बात इंसान को जो खा रही है, और वो ये है कि इंसान समझता है कि मैं गुनाह करता हूं, गुनाहगार हूं, नमाज नहीं पढ़ता हूं, रोजा नहीं रखता हूं, आगे मेरे सिफारशी खड़े हैं वो मुझे छुड़वा देंगे, अली नबी मेरी सिफारिश करेंगे, और मेरे मुर्शद पीर मेरी सिफारिश करेंगे, मैं छूट जाऊंगा। अल्लाह पाक ने साफ बात बताई कि वो एक ऐसा दिन आने वाला है, ला बैउन फीहे वला खुल्लतुन वला शफाअ, उसमें कोई सिफारिश नहीं होगी, यारी दोस्ती नहीं होगी, कोई वहां मंडी सौदागरी बै फिरो सौदा सट्टा मुंह मुहाबा नहीं होगा। वहां तो हर आदमी को अपने किए हुए आमाल काम आएंगे,
अगर इंसान के आमाल दुरुस्त हुए और दुनिया की कारकर्दगी दुरुस्त हुई और अपना अकीदा और अमल दुरुस्त हुआ तो फिर इंसान बच जाएगा, वरना कोई तरीका निजात नहीं है, जहन्नम में जाएगा। इस आयत मुकद्दसा में अल्लाह ने साफ लफ्ज बताए, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत से मुंह फेरते हैं, मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, इबादतों के करीब नहीं आते, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, वो जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। जो अल्लाह ने इंसान पर आकामात फर्ज कर दिए उन पर लाजमी अमल करना होगा। मुसलमान रहने की हालत में इंसान पर वो आकामात लाजमी हैं। और बहुत बड़े सकालर वक्त के और दुनिया के एक हिस्से के बड़े इमाम, जो वो अपने आप को कहलाते थे या नहीं कहलाते थे, दुनिया का एक हिस्सा उसे इमाम कहता है, अहमद बिन हम्बल, और वो फरमा गए हैं कि नमाज का तारिक मोमिन नहीं है, नमाज को छोड़ने वाला मोमिन नहीं है, अगरचे उसका हाल कितना ही ज्यादा बेहतर हो, अच्छा हो, कोई वक्त का सरदार हो, बादशाह हो, वजीर हो, अमीर कबीर हो, मगर बेनमाज है तो यकीनन उसका खात्मा लाजमन खराब होगा और वो अल्लाह के यहां हाजिरी के काबिल नहीं होगा, खा वो मर्द है या जन है। हर बालिग बंदे पर अल्लाह ने नमाज को फर्ज कर दिया है और ये फरीजा है, नमाज एक ऐसा फरीजा है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्न सलात तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, सलात नमाज, अल्लाह के सामने पांच औकात में हाजिर होना, मौला से माफी मांगना, ये ऐसी चीज है इंसान को बेहयाई के कामों से, बुराई के कामों से नमाज रोकती है, बशर्ते के वो नमाज उसमें रूह हो, वो अल्लाह के रजा के लिए नमाज पढ़ी गई हो, अपने आदाबो शरायत के तहत पढ़ी गई हो, सलात के लिए तकवा तहारत अकले हलाल सिदके मकाल जरूरी है। बंदा सच कहता हो झूठ से बचता हो, हलाल खाता हो हराम से बचता हो, परहेजगारी जोर उसमें हो, दुनिया का लालची ना हो, हराम खोर ना हो और जालिम ना हो, अपने किरदार पे कंट्रोल रखने वाला हो, तो फिर इंसान के लिए वो नमाज मुआमिन बनती है और वो नमाज इंसान को बुरे कामों से रोकती है, शराब खोरी से रोकती है, जिना बदकारी से रोकती है और धोखादेही से वो नमाज रोकती है, शिर्क व बिदात से वो नमाज रोकती है। जनाब शुएब पैगंबर को कौम ने कहा था, असलातों का तामुरुक, क्या तेरी नमाज तुझे ये कहती है कि हम अपने आबाओ अजदाद के तमाम माबूदों को छोड़ दें, अपने मालों में अपनी मर्जी के मुताबिक कारोबार ना करें, सूद ना लें, और जालिमों को ये बात सूझी कि यकीनन ये सलात वक्त की इबादत है और ये इबादत इंसान को तमाम बुरे कामों से रोकती है, ख्वाब बुराई माशरे में और ख्वाब बुराई अपने नफ्स से मुतालक हो, हर किस्म की बुराई से ये सलात इंसान को रोकती है, हया सिखलाती है,
बेहयाइयों से बचाती है, मगर वो सलात अपने शरायत के साथ हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये साफ सुथरा दीन कुरान भेजा है और इसमें तमाम तर हकायक मसाइल सच्चे बयान कर दिए हैं। अलबत्ता इसके मद्दे मुकाबिल ख्वाहिश पसंद इंसानों ने अपनी मर्जी की एक शरीयत ईजाद की है और उस मर्जी की शरीयत ईजाद करता में बहुत सी इंसानों को झूठी सहूलतें देकर धोखा दिया है। जैसा कि बुखारी के सफा 813 पर बाबुल खजीरा के तहत एक हदीस वाज़ईन ने लिखी है और उसमें बताया कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللَّهِ, بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے آگ پر اس آدمی کی جان کو جو لا الہ الا اللہ چھڑا پڑھ لے کہہ دے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا جو ہی مقصد ہو اس کا, بس اتنے سے کام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رب کائنات نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, مجھے نماز عصر کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں, نقصان میں ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, مگر ایمان والے لوگ جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں, اللہ کو وحدہ لا شریک, مشکل کشا, حاجت روا, مصیبتیں ڈالنے والا جانتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور چیز پر بھروسہ, توکل, اعتماد نہیں کرتے, اور یقیناً وہ انسان مشرک ہے جس کو رب کائنات کے رسول نے کسی عمل و عقیدے سے مشرک قرار دیا ہو اور اللہ کے سوا دوسری چیزوں پر آسرا اعتماد کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہو اور لوگوں کو اس میں دھوکہ دے رہا ہو اور اس کا ایمان کارگر نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان کامل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ اللہ فرماتے ہیں مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو آدمی اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے, اعتماد کرتا ہے ہر مسئلے میں, دکھ سکھ میں اور بیماری اور شفا میں, نفع اور نقصان میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اپنی مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ ہی سے اپنے تمام مسائل کا حل مانگتا ہے اور کشادگی اللہ سے مانگتا ہے, تو رب کائنات نے صاف بتایا اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ جناب بکری نہیں ہو رہی, کوئی برکت کا تعویذ اور دعا, کوئی چاٹی ماٹی دے دو, کوئی پھوکا پھاکی اور قدم مبارک رکھ لو۔ اگر اس طرح کا عقیدہ و عمل ہے تو یقیناً یہ شرک ہے اور اس کمائی میں مشرکانہ حرام زدگی موجود ہے اور اس میں فتح, کامیابی, نصرت بظاہر اگرچہ ہو جائے مگر آخرت کے لحاظ سے وہ اپنے عقیدے پر ماخوذ ہوگا اور وہ پکڑا جائے گا۔ جناب کاروبار اچھا نہیں چل رہا, تعویذ دے دیں, کوئی ریڑھی پر رکھ لیں اور بس میں لٹکا دیں اور اپنے کارخانے میں اس کو چپکا دیں, ایسے قسم کے عقائد و اعمال پر بھی یقیناً اللہ کی ناراضگی ہے۔ وہ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں, وہ اللہ پر توکل نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو صاف بتایا توکل اللہ پر رکھو, ہر مصیبت میں استعاذہ اللہ سے مانگو,
इसलिए अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर को, जनाब के असहाब को और पूरी उम्मत को ये बात बताई थी, कुर रब्बे आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, आऊज़ु बिका रब्बे अन याज़ुरून। मसाइब व तकालीफ के खदशे में ए प्यारे पैगंबर आप कुल पढ़ते रहे, हर इंसान को हुक्मे पढ़ते रहो, अल्लाह से मांगते रहो, रब्बे आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, ए अल्लाह मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ तमाम शयातीन के वसवसों खटकों से और उनकी जुमला हरकात से और उनकी जुमला इज़हार रसानियों शरारतों से, ए अल्लाह मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ, रब्बे अय्याज़ुरून, के वो मुझ पर हाजिर हूँ, मुझे तकलीफ पहुँचाए, मौला तू ही मुझे आफियत देने वाला है और तू ही अपनी पनाह में लेने वाला है और तू ही मुहैमन मुहाफिज है। बंदा अल्लाह से ये मांगे, अल्लाह ने मांगने का तरीका सिखलाया, जुबान से कहते रहो, और इसमें फूका फाकी का तरीका नहीं और लेकर गले में बांधने डालने का नहीं। अल्लाह ने और मकाम पर भी फरमाया, कुर रब्बे, आप कह दीजिए, कहते रहिए, आऊज़ु बि रब्बिल फलक, मैं पनाह चाहता हूं सुबह के रब से, मिन शर्रे मा खलक, तमाम उन चीजों की बुराइयों से जो रब ने वो बुरी पैदा फरमाई है। क्योंकि जो चीजें इंसान के नुकसान देने के लिए बज़ाहिर महसूस हो रही हैं, इनके शर से भी पनाह अल्लाह से मांगनी है। मा कलमाए अमूम है और वो जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर फिजाओं हवाओं इनसो जिन जो चीजें भी हैं, आप ये पढ़ते रहिए, आऊज़ु बि रब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, मैं पनाह चाहता हूं सुबह के रब की तमाम उन चीजों की बुराइयों शरारतों से जो अल्लाह ने वो शरीर पैदा की है। अल्लाह पाक ने ये कहने का, पढ़ने का हुक्म दिया है, पढ़ते रहो, अल्लाह से मांगते रहो और तवक्कल भरोसा अल्लाह पर। कहीं भी कारखाना है कायनात के रब ने ये बात नहीं कही कि अल्लाह के कलाम को नाव के नीचे रानू में बांधो, ऐसा करने वाले अल्लाह के कलाम के मुहन है। गदा के गले में तमीज, ऊंट के गले में तमीज, भैंस के गले में सींगों में तमीज, दरख्तों पे लटकाए गए अल्लाह के कलाम के, कुरान के अल्फाज व तावीज, कब्रिस्तानों में, पुरानी कब्रों में दफन किए जाने वाले तावीज, और इंसानों के लड़ाई झगड़े तलाक मुतलके के शेर व जादू, और आपस में झगड़े तनाजे डलवाने वाले सारे हीले हवाले, और ये सारे सेरो गंडे कुफर हैं, करने वाले भी काफिर और उनका ईमान नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम तर गंदे कामों से इंसानों को रोका है और रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ए इंसान, हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला, आप प्यारे पैगंबर बता दीजिए इन लोगों को, मैं तुम्हें बताऊं कि ज्यादा आमाल के लिहाज से नुकसान में कौन होंगे। आमाल करते, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, आमाल करते हैं, मगर आमाल में खसारा आ रहा है, नुकसान आ रहा है, आमाल जाया हो रहे हैं, आमाल किए हुए बर्बाद हो रहे हैं। अल्लाह फरमाते, अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, अक्सर नुकसान में पड़ने वाले वो आमिलीन हैं, अमल करने वाले हैं, जिनके आमालो कमाई रात दिन का खड़ना, तहज्जुदें, नमाजें, सलातें बर्बाद हो रही हैं, खराब हो रही हैं हयात ये दुनिया में, वहुम या सबूना अन्ना उम्मीदों से हूं ना सुना, वो गुमान में हैं
और वो अपने हुस्ने जन में लगे हुए हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। रिफाए आमा के कामों का ठेका उन्होंने ले रखा है, और किसी को वो शिफा बख्शते हैं और किसी को आराम व सुकून देते हैं। वो अपने आप को इन बातों का ठेकेदार समझते हैं। अल्लाह फरमाते हैं उनके आमाल बर्बाद हो रहे हैं, वो नुकसान में पड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो अल्लाह के काम थे और ये काम अल्लाह पाक ही करता है, बंदे नहीं करते, ना किसी का नफा ना नुकसान, और ना कोई मजार किसी के हाथ में कब्जे में है सिवाय अल्लाह के। सारी चीजों का मालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, पालिक अल्लाह है, मुहैमिन मुहाफिज अल्लाह है, मुसीबतें देने वाला अल्लाह है, टालने वाला अल्लाह है। जनाब अय्यूब ने दुआ मांगी, रब्बे अन्नी मसाने अज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, मौला मुझे तकलीफ पहुंच रही है, मैं बीमार हो गया हूँ, अब मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है, अल्लाह तू ही अरहमुर राहिमीन है, मौला तू मुझे शिफा दे, मेहरबानी कर मुसीबत को टाल दे। तो अल्लाह ने जनाब अय्यूब की मुसीबत को टाला, और अय्यूब पैगंबर ने ना तो कोई फूके फाकी से काम लिया, ना तभी गंडे हीले हवाले से काम लिया, ना अल्लाह के मां सिवा किसी को मदद के लिए पुकारा। जबकि अय्यूब पैगंबर से पहले जनाब इब्राहिम गुजर गए थे और मूसा अलैहि सलाम गुजर गए थे और पैगंबर नूह गुजर गए थे, शीस और आदम गुजर गए थे, और उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारा, अल्लाह को पुकारा, अल्लाह मुसीबतें डालने वाला तू है, सब्र करते रहे। अल्लाह कहता है नेमल अब्दो, वो अय्यूब बहुत अच्छा बंदा था और सब्र करने वाला बंदा था। मुसीबतों पे सब्र करना इबादत है, अल्लाह की जानिब से मुसीबतें अच्छे लोगों पर भी आया करती है, बुरों पर भी आती है, बुरों पर उनके आमाल का नकमा और सजा होती है, और अच्छे लोगों पर अगर मुसीबतें आ जाएं तो अल्लाह की जानिब से इब्तिला आजमाइश होती है और दर्जात की बढ़ोतरी होती है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों को सवाब इनायत करेंगे, उनके दर्जात को बढ़ाएंगे। ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम पर भी मुसीबतें आईं, मगर अंबिया ने अल्लाह के सिवा कभी किसी को पुकारा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं उलाएक अल्लज़ीना कफरू बिआयात रब्बिहिम वलिकाएही, जो लोग अल्लाह के सिवा मेरे बंदों को, अल्लाह फरमाते मेरे सिवा मेरे बंदों को अपना औलिया कारसाज हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हैं, ऐसे लोग काफिर हैं अपने रब के आयात के। वलिकाएही, वो अल्लाह की मुलाकात के मुनकिर हैं। फहाबतत आमालहुम, अल्लाह ने उनके आमाल को बर्बाद कर दिया और वो दुनिया में किए करते सारे अमल उनके तबाह हो गए। फला नुकीम लहुम यौमल कियामत वजना, कियामत के दिन हम ऐसे लोगों के आमाल के लिए तराजू कायम नहीं करेंगे और उनके लिए कोई तराजू कायम नहीं होगा, और वो ना तो वजन के काबिल होंगे बल्कि उनके आमाल हवा मंसूरा हो गए होंगे। मुशरिक के किए हुए आमाल, कुरैश मक्का आने जाने वालों को रोटियां खिलाते, लंगर चलाते थे, और काबे के गिर्द पानी का इंतजाम करते, और अपने जमाने के हज के मौके का तमाम तर इंतजाम वो किया करते थे, मगर अल्लाह ने उनके कुफर शिर्क की वजह से उनके तमाम आमाल को हवा मंसूरा कर दिया, बर्बाद कर दिया, और उनके आमाल तबाह के कुफर शिर्क एक आंधी है, एक आग है जो तमाम तर आमाल को बर्बाद कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अल्लाह को बहुत से लोग मानते हैं और अक्सरियत इंसानों की जो अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह के साथ बंदों को शरीक करते हैं, और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मुश्किल कुशा हाजत रवा दूसरों को समझते हैं, मुसीबतें डालने वाला दूसरों को समझते हैं, असबाब में वो अपनी कामयाबी समझते हैं, हालांकि कामयाबी देने वाला अल्लाह है, असबाब कामयाबी नहीं देते, और रब्बे कायनात ने इंसान को असबाब
का कसब करने का तो हुक्म दिया, मगर असबाब को मुअस्सर जानने का हुक्म नहीं दिया। मुअस्सर हर चीज में अल्लाह की पाक जात, डायरेक्ट उसका असर पड़ता है। वो तमाम चीजों के करने और किए जाने में उसका दखल है और वो सारी चीजों को अपनी निगाह में रखे हुए। मुअस्सर हकीकी वो एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ही होता है। मौलाए कायनात फरमाते मुशरिक के आमाल कुछ भी वजन नहीं किए जाएंगे। ज़ालिक जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफरू, उनकी सजा जहन्नम होगी उनके कुफर की बदौलत। वत्तखज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुवा, उन्होंने मेरी आयतों को और मेरे रसूलों के निजाम को ठट्ठा और मजाक बना रखा। अब अल्लाह की आयात से जो बातें समझ आ रही हैं ये फरीजा है, हतमी है, यकीनी है। इनके खिलाफ जो बातें इंसानों में रचाई गई हैं, दिमागों में बिठाई गई है, भाई बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, यब तगी बेसाले का वजह अल्लाह, अल्लाह की रजा चाहता था, बस ये कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह उस पर आग जहन्नम की आराम कर देते, बस अमल करे या ना करे। रब्बे कायनात ने बात बताई, ईमान भी लाजमी है, व अमलुस सालिहात, कामयाबी के असूल के लिए तमाम साले अमाल का करना लाजमी है, फर्ज है। जो अल्लाह ने इबादतें फर्ज की है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सच कहना, झूठ से बचना, बेहयाई बदकारी से बचना, ये सारे काम करने होंगे। और जिन कामों से अल्लाह ने बचने का हुक्म दिया है उन कामों से परहेज करना लाजमी होगा, बचना जरूरी होगा। ये सारे साले आमाल बंदा करेगा तब तो जन्नत का मुस्तहिक बनेगा, खसारे और नुकसान से बचेगा। ईमान भी दुरुस्त हो, आमाल भी साले सारे करें, तब तो इंसान बचेगा। वरना सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दुल्लाह इब्ने उबाई, और वो मुनाफे के मदीना पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह, बल्कि वो रसूल के पीछे नमाजें भी पढ़ता, पैगंबर के साथ वो जिहाद में भी जाया करता था। ग़ज़वा तबूक में गया, पीछे पीछे रहते थे मुनाफिक, आगे नहीं जाते थे सफों में, पीछे पीछे रहते। और उस ग़ज़वा तबूक में दो आदमियों की लड़ाई हो गई, मामूली मुनाफिक लड़ पड़ा एक मुसलमान के साथ, क्योंकि मुनाफिक शरारती होते हैं, शरारत निफाक की निशानी है। मुनाफिक में राम नहीं होता और उसमें इस्लाह का मादा नहीं होता, मुनाफिक फसादी होता है। और अल्लाह के दीन में भी फसाद और अल्लाह की जमीन में भी वो फसाद मचाता है। सबसे बड़ा फसाद दिल में कुफर और निफाक और शिर्क की बीमारी को परवान चढ़ाना है। और उन लोगों के जेहन में आबाओ अजदाद की वो सारे अकीदे अभी तक बाकी रह चुके थे। तो नमाज रोजा खुलूस नीयत के साथ, ईमान खालिस के साथ होगा तब तो फायदा मंद होगा। आप कहते हैं ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, है आसान। वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल में मुद्दकर, अल्लाह फरमाते कुरान को हमने आसान कर दिया है नसीहत के लिए। कोई नसीहत हासिल करने वाला है, जरा अपनी जिंदगी को कंट्रोल में रखना है कुरान के मुताबिक, अकीदे और अमल को। रब्बे कायनात ने बात बताई, ईमान के साथ आमाले सालेहा भी जरूरी है, बगैर इनके निजात नहीं होगी। छड़े कलमे पढ़ने से निजात नहीं होगी, धोखा है। और ये बुखारा, बलख, तिरमाज, नसा और ये अजम के मुल्लाओं की घड़ी हुई शरीयत इंसानों को धोखे में डाल रही है कि बाबा कलमा पढ़ लो, बाकी कुछ करो ना करो, बस ठीक है तुम मुसलमान हो। अब उसको पता उस वक्त चलता है जब उसका सांस निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं, वन्ना से आते गर्कन वन्ना से ताते नश्तन। अब वो फरिश्ते जरा जज्र तौबी के साथ उसके सांस को निकाल रहे होते हैं, तो उसको पता चलता है कि नक्शा कुछ और है, बदल रहा है, मैं धोखे में पड़ा। उस धोखे का इजाला नहीं हो सकता। हत्ता इजा जाअहुमुल मौत काला रब्बिर्जिउन, जब मौत झपट लेती है उनको, पकड़ लेते हैं फरिश्ते, फिर वो अल्लाह को पुकारता है, कहता है मौला मुझे वापस कर दे जिसमें दुनिया में
لَعَلِّي عَمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ, میں کچھ وقت واپس جا کر عمل اچھے کر کے آؤں, اچھا عقیدہ بنا کے آؤں. اب اس کو پتا چلتا ہے مگر وہ وقت واپس لوٹنے کا نہیں ہے. اس وقت اس کو یہ تعصب تحسر فیتا کوئی نہیں دیتا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں, کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے عقیدے و اعمال سے اللہ کے قرآن اور رسولوں سے ٹٹا مذاق کیا. اور یہ عملی مذاق ہے کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, وہ جنت میں گیا. فرعون بھی اپنے آخری لمحات میں لا الہ پڑھ رہا. فرعون کو جب غوطے لگے, قال آمنت برب موسیٰ و ہارون, آمنت بما آمن به بنو اسرائیل, وہ کہنے لگا جس رب کے ساتھ بنو اسرائیل ایمان لائے, موسیٰ و ہارون ایمان لائے, اللہ میں اس رب کو مانتا ہوں. اللہ نے کہا الان, اب جب تیرا سانس گھٹنے لگا اور میرے عذاب و گرفتاری میں آ چکا ہے, اب تو کہتا ہے آمنت, اب تیری مغفرت نہیں ہوگی. تو آخر وقت میں بھائیو ایمان فرعون بھی لایا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا ام من اہل الکتاب, کوئی اہل کتاب ایسا نہیں جو عیسیٰ کو مانتا نہیں تھا یہودی, ہاں لیومنن بہ قبل موتہ, وہ اپنی موت سے پہلے جناب عیسیٰ پر ایمان لاتا ہے, موت سے پہلے وہ عیسیٰ کی نبوت کو مانتا ہے کہ واقعی جو عیسیٰ آیا تھا وہ نبی ہے. کیونکہ یہودیوں کی تورات میں مسیح نے آنا ہے, جب وہ مسیح آیا تو یہودیوں نے کہا یہ نہیں ہے وہ اور ہوگا. اب اس مسیح کو ختم کرنے کے پیچھے پڑے اور اسے ختم کرنے کی سازشیں کرنے لگے, دشمنی انہوں نے عیسیٰ مسیح سے کی. وہ عیسیٰ دنیا میں اپنا پیریڈ پورا کر کے چلا گیا. آج تک یہودی اس عقیدے پر ہیں کہ مسیح آئے, جب وہ مسیح آیا تھا اس کو نہیں مانا, ابھی تک وہ اس امید میں مسیح آئے گا جو تورات میں ہے. اور تورات میں یہ بھی تھا ایک مہدی آئے گا. اب جب وہ مہدی کائنات آیا, اس مہدی کائنات کا یہودیوں نے انکار کر دیا. ابھی وہ ان دونوں کیتوں کی امیدوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ آئیں گے وہ. اللہ فرماتے ہیں جب کسی یہودی پر موت آتی ہے تو موت کے وقت میں وہ ایمان لے آتے, تو موت کے وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنا فرعون کا بھی قبول نہیں ہوا, اور اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی, اور موت کے ٹائم میں یہودیوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے, وہ سب کے سب کافر ہو کر مر رہے ہیں. تو خیال کرنا, دھوکے میں نہ پڑھنا, یہ زندگی اور صحت اللہ پاک نے انسان کو غنیمت کے بطور دی ہے, مفت دی ہے, انعامات مفت دیے, آنکھیں مفت دی ہیں, کان مفت دیے, دل دماغ سوچ مفت دی ہے. اب پاگل لاکھوں روپے خرچ کریں انہیں عقل نہیں ملتا ہے, اندھے لاکھوں روپے خرچ کریں آنکھیں نہیں ملتی ہیں بھائی ان کو, اور بہرے لولے لنگڑے وہ اب اپنی صحت بازیابی صحت کے لیے کروڑوں روپے خرچ کریں وہ صحت نہیں ملتی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں انسان کو آزمانے کے لیے. اللہ پاک فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے انسان کی موت کو پیدا کیا اور تجرد روح کو بنایا, عالم تجرد کو بنایا, اور زندگی عالم تزوج کو بنایا, اور جوڑے کو جمع کیا اور جوڑے کو علیحدہ رکھا. یہ سب کچھ اللہ فرماتے لے جب لو وکم ایوکم آسن عملا, اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے اعمال والا کون ہے, اچھے کام کرنے والا کون ہے, بہتر کام کرنے والا کون ہے. اللہ بہتر کارکردگی کرنے والوں کو آزمانا چاہتا ہے. رب کائنات تو حقیقت میں بہتر کارکردگی دیکھنا چاہتا ہے, ایمان کے ساتھ بہتر کارکردگی لازم ہے.
فرض ہے، اس کے علاوہ نجات نہیں ہوگی، مجرموں کو کوئی بچانے والا اللہ کی گرفت سے نہیں ہوگا، وہاں ایسی عدالتیں نہیں ہوگی جو دنیا میں عدالتیں لگی ہوئی ہیں، کوئی خان صاحب، کوئی جام صاحب، کوئی مولوی صاحب، کوئی پیر صاحب، مجرم مرید کے لیے، مجرم یار کے لیے، مجرم دوست کے لیے، مجرم ووٹر کے لیے اور مجرم محلے والے کے لیے سفارشیں کر کے انہیں چھڑوا کے لے آتے، پیسے بھر کے لے آتے ہیں، اور یہ نقشہ دنیا کی بدماش و بدتینت حکومتوں کا ہے، اللہ کی حکومت ایسی نہیں ہوگی کہ کوئی چھڑوا سکے، نہ شریف آدمی کا کام ہے مجرم کو چھڑوانا، شریف آدمی کا کام نہیں ہے، مجرم اپنی جرم کی سزا کی پاداش تک پہنچے، اب پیغمبر بھی سفارش نہیں کریں گے مجرموں کی، بچے بھی سفارش نہیں کریں گے مجرموں کی، اور کوئی بھی بدتینت انسان کی نہیں سفارش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں یہ خیال کرنا، افحاسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، وہ مشرک کا سفارشی بھی کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتا ہے، کارکردگی کرنے والا سمجھتا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی قیامت کے دن کوئی چھوڑ کی مٹی پانی میں گھول کر پی لی، وہ مرشد کی مزار کی جالی اور کیکر کے درخت سے پتے توڑ کے پانی میں گھول کر پی لیے، یہ ایمان لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہ تو شرک ہے، اور مشرک کی کبھی نجات نہیں ہوگی، اور یہی وجہ ہے کچھ لوگوں نے یہ شرک کا کام ایجاد کیا، تو ان کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ مشرک ہیں، کہ نماز پڑھتے وقت یہ خاک شفا کی ٹکیاں سر کے نیچے رکھتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، تو پھر دنیا کائنات میں مزاروں کی یہ چیزیں تبرکات کیا چیز ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، وہ اللہ کے محتاج بندے تھے، عبادت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں رب بنا کے رکھنا، اور اللہ رب العزت فرماتے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں اپنے زمانے کے مولوی اور پیروں کو رب سمجھ رکھا تھا اللہ کے سوا، اور مسیح ابن مریم کو بھی اللہ کے سوا رب بنایا انہوں نے، ایسے مشرک پہلے بھی گزرے ہیں اور ان کو کارساز سمجھتے تھے، کام بنانے والا، مشکل ڈالنے والا، نفع نقصان دینے والا مسیح کو جانتے تھے، اللہ نے ان سب کو کافر قرار دیا کہ یہ لو کافر، ایسا عقیدہ کافروں کا ہے، کلمہ وہ بھی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھتے، کوئی بات نہیں ہے کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ کا کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ملاؤں کی شریعت میں تو کلمے بھی اور گھڑے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، او قوم بنی اسرائیل میں تو اللہ کا تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں، آج تک تم مولویوں سے سنتے آئے ہوں گے کہ عیسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ سب سٹیج پہ یہودیت و عیسائیت کے سارے جن ظالم یہ جھوٹ بول کر اللہ کے دین کا تغیر تبدل پیش کرتے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا بنی اسرائیل کے سامنے تو کہا انی رسول اللہ علیکم، تو پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ روح اللہ نہیں، ہاں جھوٹ بولتے ہیں یہ، جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، موسیٰ کے دور میں بھی کلمہ کا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، یہ سارے اللہ کے رسول تھے، کلمہ سب کا ایک جیسا چلا رہا ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں آیا، جھوٹے ملا پر رب کی لعنت، قرآن کا مغیر اور تبدیل کرنے والا، ظالم جھوٹ بولنے والا، اللہ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اچھے اعمال کیے انہوں نے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اچھے اعمال کرنے والے اور بہتر ایمان رکھنے والوں کے لیے جنات الفردوس مہمان خانہ، اللہ پاک انہیں جنات میں لے جائے گا، باغات میں لے جائے گا، وہ مہمان خانہ ان کے لیے بنا ہوا ہے، مولا کائنات فرماتے خالدین فیہا، اس مہمان خانے میں وہ ہمیشہ رہیں گے،
ला यबगूना अनहा, हे वाला कभी अल्लाह से ये दरखास्त पेश नहीं करेंगे मौला ये मकान तब्दील कर दे हमारा, नहीं। हर आए दिन उस मकान की रौनकें नई होंगी और उसमें पड़े हुए खड़े हुए फलों के मजे और होंगे। हर आए दिन उसमें मौजूद हूरों और उसमें रहने वाले जवानों की शक्लें खूबसूरती में नई नई होंगी। कभी भी वो अपनी शक्लों से, अपनी बीवियों से, अपने जनाब रकबों से, अपने बागों से, अपने खाने वाले फलों से और खिजा से कभी उकताएंगे नहीं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकातु अल्ला तखाफू वला तहज़नू वबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तूअदून। मौलाए कायनात फरमाते जो लोग कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, फिर मुसीबतें टूटी, लोगों ने कहा खराब हो गए, एक अल्लाह को मानते। पैगंबरों को भी कहा था अजाल अल आलिहा इलाहुम वाहिदा, क्या ये बंदा सच्चा है जो बहुत से इलाहों को एक अल्लाह कहता है, कहते है सारे अल्लाह छोड़ दो एक को मानो, हम उनको भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं। अब वो सबको मानने वाले काफिर करार दिए गए। अल्लाह ताला ने तो ये कहा था पैगंबर को कुल हो अल्लाह अहद, ये नबी कोई माने ना माने तू कहता रहे कारसाज अल्लाह एक है, मुश्किल कुशा अल्लाह एक है, पैदा करने वाला एक है, रिज्क देने वाला एक है, नफे नुकसान का मालिक एक है, अल्लाह समद वो कहार रब जो मुस्तगनी है सारे असबाब से, तमाम कारखाना है कायनात का मालिक बेनियाज अल्लाह एक। लम यलिद वलम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं और वो भी किसी का बेटा नहीं, औलाद किसी की नहीं, उसका किसी से रिश्ता नहीं। और लम तकुल्लहु साहिबा, उसकी कोई बीवी नहीं, वलम तकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्क, उसका मुल्क में हिस्सेदार भी कोई नहीं, वो अकेला अल्लाह एक वादहु ला शरीक है। ए पैगंबर तू मेरी वादानियत का ऐलान करता रहा। ये वो अर्ज शिर्क थी जिसमें लात उज़्ज़ात मनात की बहुत बड़ी तीन गद्दियां थी। मुल्ला एक और झूठ भी बोलते हैं बुखारी के हवाले से कि जनाब 360 बुत जो है काबे में पड़े थे, काबे में 360 बुत, ये जनाब इब्राहिम की औलाद बुत परस्त थे। ये झूठ है, इब्राहिम की औलाद आस्ताना परस्त थे, बुत परस्त नहीं थे, वो आस्तानों के पुजारी थे। इस कौम में तीन बुजुर्ग गुजरे थे लात उज़्ज़ात मनात, इलाकों में उन तीन की बहुत बड़ी गदियां चलती थी और उनके आस्ताने बने हुए थे, वहां खैरातें हुआ करती थी, वहां नजर व नियाज होती थी और वहां मन्नतें दी जाती थी और वहां मुशरिक लोग जाते हाजिरी देते, मेला लगता था। तो उस मेले में, मेलों में, उर्सों में ये सारे मुशरिक इकट्ठे हो जाते थे, उनकी पूजा पाठ होती थी, ये आस्ताना परस्त। इधर मौलवी कहते हैं रसूल करीम काबे की दीवार के साए के करीब आप नमाज पढ़ रहे थे, अगर काबे में 360 बुत रखे हुए थे, आज मुल्ला का मसला है आगे तस्वीर खड़ी हो तो नमाज नहीं होती। रसूल करीम के आगे 360 बुत काबे में रखे थे तो रसूल करीम काबे की तरफ मुंह करके नमाज कैसे पढ़ सकते थे? उस काबे में नमाज पढ़ रहे थे जिस काबे में 360 बुत रखे हुए थे? सवाल ही पैदा नहीं होता। रसूल बहुत शिकन थे, अगर हमारे आगे कोई तस्वीर हो हमारी नमाज नहीं होती, रसूल के आगे बुत पड़े थे, रसूल नमाज कैसे पढ़ते थे? काबे में कोई बुत नहीं रखा था, काबा बुत कदा नहीं बना कभी। अल्लाह ने बुतों को निजासत कहा है। ये मुल्लाओं की बनी बनी बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें, झूठी मुल्लाओं की बनी हुई हदीसें, हैरान कौन बातें, हैरान कौन बंदा हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ, क्या हो रहा है, कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। आप अंदाजा करें, दो हदीसें मैं पेश करता हूं सनद के साथ। रावी ने बयान किया हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद इन हद्दसना इब्न यनतान ज़ोरी अन उरवतान उसामा इब्न ज़ैद قال اشرف النبي على اتم من اطام المدينه ثم قال هل ترون ما ارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر।
ये हदीस बुखारी में। मैं बात इसकी समझाता हूँ। एक दूसरी हदीस इसी बारे में है, हद्दसना अबू नुएम हद्दसना इब्नु यानान ज़ोरी हावा हद्दसनी महमूद काला हद्दसना अब्दुल रज़ाक काला अखबरना मामरन ज़ोरी अन उरवा अन उसामा इब्ने ज़ैद काला अशरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उत्मिन मिन आतामिल मदीनत फकाला हल तरौना मा अरा कालू ला काला फइन्नी ला अरल फितन इन्नी ला अरल फितन तकौ खिलाला बुयूतकुम कवकिल मतरे। मौलवी साहब बैठे हैं, बुखारी साथ पढ़िए, रसूल करीम के ऊपर ये बात बनाई गई कि आप एक दिन मदीने के एक टीले पर चढ़े, सहाबा भी साथ थे, फरमाया जो कुछ मैं देख रहा हूं तुम देख रहे हो? उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया ओ मेरे सहाबी हो, तुम्हारे घरों में फितने गिर रहे हैं, फितनों की बारिश बरस रही है, इस तरह बरस रही है जिस तरह मूसलाधार बारिश जमीन पर बरसती है, तुम्हारे घरों में फितनों की बारिश बरस रही है। आप एक ठंडे दिल से सोचे, रसूल के जमाने में, रसूल करीम की मौजूदगी में, रसूल करीम के मदीने में, मदीने के घरों को सहाबा के घरों में, फिलाला बुयूते कौम तुम्हारे घरों पर मूसलाधार फितनों की बारिश बरस रही है, तुम्हारे घरों में। आप अंदाजा करें, अगर ये हदीस सच्ची है, रसूल करीम ने देखा है, तो आज दुनिया में कौन उम्मीद रख सकता है कि हमारे घर में रहमत बरसेगी? जब रसूल के होते हुए मदीने में रसूल के सहाबा के घरों पर फितनों की बारिशें बरस रही है, हम कैसे उम्मीद रखें कि अब अल्लाह के कुरान को हम माने, इबादत करें, रियाजत करें, हम जनाब ये सारी बातें करें और हमारे ऊपर रब की रहमत बरसे और मदीने पर फितनों की बारिशें बरसे? जरा सोच ले, अकीदा कहता हदीस कैसी है। अल्लाह कहता है मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। ए मेरा प्यारा पैगंबर, जब तक जहां तू रहेगा उस वक्त तक उस जगह पे अजाब नहीं आएगा। पैगंबर मदीने में मौजूद हो, फितनों की बारिश मदीने पर बरसे। अल्लाह फरमाते हैं मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वो मेरे प्यारे पैगंबर, हमने आपको कायनात की इंसानियत के लिए नहीं बल्कि सारी कायनात के इंसानों, मुसलमानों, काफरों, हैवानों, आलम इल्म व सिफल के लिए और पूरी धरती बारों पर के लिए हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है। वहां रहमत भी मौजूद है, चढ़ी रहमत नहीं बल्कि रहमत लिल आलमीन भी मौजूद हो। उस मदीने पे फितनों की बारिश बरस सकती है? आपका अकीदा दिमाग को काम देता है? एक है मौलवी की मोहब्बत, एक है बुहारी की मोहब्बत, एक है मदीने की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, एक है मदीने का एहतराम, एक है मुल्ला को पादरी का एहतराम। अब इंसान पादरी का एहतराम करता है, मदीने का एहतराम करूं? मदीने वाले का क्यों एहतराम नहीं करता? अल्लाह कहते हैं हमने आपको कारखाना है कायनात के लिए रहमत बनाकर। जहां रहमत मौजूद है वहां जहमत नहीं आ सकती, अजाब नहीं आ सकता। ये कुरान में है। अबू जहल ने एक दिन काबे का गिलाफ पकड़ के कहते कहा अल्लाह हम तेरा लाइना ही जा रहा तम मिन समाय, मौला पत्थर बरसा दे आसमान से अगर ये मोहम्मद सच्चा है तो। अल्लाह पाक के बंदे ने कहा मौला फिर पत्थरों की बारिश मांग रहे हैं, बरसाओ ना इन पर। अल्लाह ने कहा मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, जब तक तू इन काफरों में मक्के में मौजूद है मैं अल्लाह इस कौम पर अजाब नहीं दे। तो मोहम्मद मदीने में मौजूद हो, मदीने के छतों पे, घरों पे फितनों की बारिश हो रही हो, मैं तो कहता हूं ये मुल्ला झूठा है, ये मुहद्दिस झूठा है, ये किताब झूठी है और ये जुबान झूठी है, ये कलम झूठी है। अल्लाह पाक का कलाम सच्चा है, जहां मोहम्मद होगा वहां जामत नहीं होगी, जहां पैगंबर होगा वहां फितने नहीं होंगे। साथ एक और बात भी अल्लाह ने मक्के में कहा रसूल को, दुआ मांगता रहे प्यारे नबी, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिदकिन व अखरजनी मुखरजा सिदकिन वजअल्ली मिल्लतुन का सुल्तानन नसीरा।
पैगंबर को कहा मेरा नबी दुआ मांगता है क्या, अल्लाह मुझे सच्चाई के एक मरकज से निकाल और सच्चाई के दूसरे मरकज में दाखिल कर। अल्लाह पाक ने अपने कुरान में मदीने को सच्चाई का मरकज कहा है, सच्चाई का मरकज। मक्के में मुसल्लत काफिर हूं, अबू लाब हो, अबू जाल हो, कोई हो, मगर काबे के परकात जो अल्लाह पाक की जानिब से उस पर रहमतें बरस रही हैं, वहां इन बेईमानों का रहना कोई मुतासर नहीं करता उस सरजमीन को, वो सरजमीन बरकात वाली हमेशा रहेगी। और प्यारे पैगंबर को ये बात कह दी गई, आप दुआ मांगे रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क, अल्लाह मुझे सच्चाई के मरकज में ले जा, सच्चाई के दूसरे मरकज से निकाल। अल्लाह पाक ने मक्के के सच्चाई के मरकज से रसूल को निकाला और मदीने वाले सच्चाई के मरकज में दाखिल किया। कारखाना कायनात में पैगंबर के लिए अफजल सरजमीन अगर कोई और होती तो अल्लाह नबी को वहां ले जाता, मदीने में ना ले जाता। इब्राहिमी दीन के लिए अल्लाह पाक ने आगाज मक्के से कराया और तकमील मदीने में कराई, कुरान मदीने में मुकम्मल हुआ, दीन मदीने में मुकम्मल हुआ और मदीना कारखाना कायनात के लिए खलीफतुल्लाह अलल अर्ज का मरकज बना और पूरी कायनात पर इस्लाम दीन कुरान इस मदीने के बरकात और इसकी हरकत से पहुंचाए। और मदीने के खुलफाउल्लाह अलल अर्ज सिद्दीक अब्दुल्लाह इब्ने अबी कुहाफा, उमर, उस्मान, अली और दूसरे, ये मुसलमान खुलफा थे, इन्होंने मदीने को मरकज बनाकर कारखाना कायनात में दीन पहुंचाया है। ये तो मरकज सिद्क को सच्चाई है, लेकिन हमारी हदीस कहती है नहीं, इस पे तो रहमतुल आलमीन ने बताया, देखो वो फितनों की बारिश मदीने के घरों में, सहाबा तुम्हारे घरों में बरस रही है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ये कहने वाला कोई चोर काफिर है, ये कोई बेदीन है। इसमें बेदीन खड़े हैं इमाम जोहरी साहब जिसको कहते हैं, इब्ने उयैना, यहूदियों की औलाद से हैं ये लोग और इन्होंने लिबादा इस्लाम ओढ़कर मदीना तैयबा की तौहीन की है। इन लफ्जों में मदीना को पैगंबर ने तैयबा कहा, मदीना को मुनवरा कहा गया, मदीना को मुदखले सिद्क को सच्चाई का मरकज कहा गया है। अगर रसूल के जमाने में भी मदीने पे फितनों की बारिशें बरसती थी तो रहमत की बारिशें फिर मदीने पे कब बरसती। ओ मुस्लिम तेरा अकीदा, ओ बुखारे मुस्लिम, और ये जनाब नसा, ये दूसरे तीसरे अजमियों की गंदी हदीसों पर तुमने मदीने की तौहीन कर डाली है। मदीना तो मरकज़ सच्चाई है। एक और भी सुन लो, मदीना तैयबा की तौहीन मुसलमान के लिए तो काबिले बर्दाश्त हो सकती नहीं। दुनिया में अल्लाह के कुरान की सच्चाई, पैगंबर की सच्चाई ये वाजे है। ये जोहरी कौन है? जोहरी जो इन रिवायतों का रावी है, बुखारी में है, काला महमर रहे तो जोरिया जलबा तो मिनसिया बिल यमन मा सोबे का बिल बौल सफा पामन बाबू सलात फिल जुब्बा। पढ़िए बुखार, इन्हें मौलवी बेईमान हो गया। मौलवी बेईमान नहीं है, ये तुम्हारे मुहद्दिस बेईमान थे। जिस बेईमान की आदत व सीरत किताब में लिखी है, मामर कहते हैं मैंने अपने उस्ताद जोरी को देखा, यलबसु मिन सियाबिल यमन मासोबिगाबिल बौल, और वो कपड़े पहना करता था जो यमन में पिशाब में रंगे जाते थे, पिशाब में बौल, जानवरों का पिशाब, तंतुओं का पिशाब इकट्ठा करते उसमें रंग डालते, कपड़े रंगते थे। अगर इस तरह कपड़े रंग कर आप लोगों को बताया जाएंगे ये पेशाब में रंगे हुए, पढ़ोगे, पहनोगे, नमाज पढ़ोगे, उसे तिलावत करोगे, हज करोगे, इमामत करोगे उसके साथ? नहीं भी, 8 दफा धो लो, 100 दफा तुम उस कपड़े को धो लो, लेकिन रंग वो चढ़ा हुआ है पलीत चीजों की वजह से, अब तुम उस कपड़े को नहीं पहनते हो। क्यों नहीं पहनते हो? ये वो इमाम जोरी था जो यमन में पिशाब से रंगे हुए कपड़ों को पहनकर नमाजें पढ़ाता, नमाजें पढ़ता, और ये बुखारी में लिखा हुआ। चोर बाजारी तो खत्म हो गई ना, जी वो धार वही मौलवी कहता है बुखारी शरीफ ऐसी है, बुखारी के तकद्दस पर, मैं कोई आसमान का फरिश्ता तो नहीं, मैं बात झूठी करता हूँ, मस्जिद में बैठ कर करता हूँ, पाकिस्तान की सरजमीन में बैठकर करता हूँ। किसी मौलवी को हलाल का दूध माँ ने पिलाया है तो आए, ये बुखारी में हवाला ना हो, जिम्मेदारी मेरी, सजा तुम दे देना,
मैं मंजूर करूंगा, वरना फिर मौलवियों की दाढ़ी तुम पकड़ लेना, खले मैं मारूंगा। कि इन्होंने इतने दुनिया में झूठ को परवान चढ़ाया कि अल्लाह की किताब के मुकाबले में इसको ले आए, ऊपर ले गए इस किताब को। और इस किताब के मुहदसिन का ये हाल था, पिशाब के रंगे हुए कपड़े पहनते थे ये लोग। ये सफा 52 बुखारी जिल्द अव्वल, ये पढ़िए मेरे पास। ऐसे झूठ के पलंदे। एक और भी सुन लो, बात तो कहीं है और चली गई, लेकिन अजीब बात है। आप जिसको सच्चा कह देंगे, आज मैं जुबान से कहलवाऊंगा कि सच्चा कौन है, कौन सी हदीस सच्ची। सच हमेशा जहां भी मौजूद हो वो सच महसूस होता है कि ये सच, झूठ महसूस होता है ये झूठ। अब देखो सच और झूठ में, अगर आपका दिमाग काम करता है, परख काम करती है, जहन काम करता है, अपने आप को जहीन कहते हो, परख के दिखाओ झूठ कौन सा है, सच कौन सा है। दोनों हदीसें बुखारी की हदीसें। पैगंबर इस्लाम के बारे में है, हद्दसना सुलेमान बिन हरबिन अन शोबतान मंसूर अन अबी वाइलिन अन हुज़ैफा قال لقد رأيت رسول الله وقال لقد أتى النبي عليه السلام سباتة قوم فبال قائما। ये है باب القول عند سباتة قوم, बुखारी सफा 335 हदीस पर। रावी कहता है एक सहाबी पर बनाई बात कि मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम को, वो कौम की अरूड़ी पर आए, आपने खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया, वहां खड़े होकर पेशाब किया रसूल करीम ने। बुखारी की हदीस एक नहीं, ऐसी 10 हदीसें बुखारी में खड़ी हैं। मगर मैं देख रहा हूं कि आपका दिल दिमाग ईमान क्या काम करता है, जिसके लिए चंदे देते हैं आप लोग। जनाब चंदा दो, बुखारी की तकमील हो रही है, बुखारी शरीफ का खत्म हो रहा है। 8 दिन कुत्ते को रोटी डाल लो, भूखे कुत्ते को, उसमें तुम्हें सवाब होगा, बुखारी के खत्म पर तुम्हें रोटी देने में सवाब कोई नहीं होगा। ये तो मां सिवल्ला के नाम पर तुमने दिया है, मां सिवल्ला के नाम पर दिया हुआ माल मा उहिल्ला बिही ले गैर इल्ला में शामिल है, वो तो हराम हो जाता है। देना भी हराम, लेना भी हराम, खाना भी उसका हराम हो जाता है। अल्लाह के मां सिवा दूसरे किसी के नाम पर जीव दिया भी ना करो। नजरे अल्लाह नियाजे हुसैन, रुपया दिया, रुपया तुम्हारा हराम है। नजरे अल्लाह नियाजे पीर, दिया एक रुपया, तुम्हारा देना हराम, उसका लेना हराम है, खाना भी हराम है उसका, ये हराम है। अल्लाह के नाम पर सवाल करे फिर उसको दो, जो अल्लाह के नाम, सिर्फ अल्लाह के नाम। जो शिर्क करता है, अगर तुमने उसका तावन किया, तुम शिर्क में मुआविन हो जाओगे। अब दूसरी हदीस सुने आप, बड़ी अजीब गरीब बात है। अखबराना अली इब्न हजरिन अखबराना शरीक अनिल मिकदाम इब्न शुरैहन अन अबी अन आयशा قالت من حدثكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول الا جالسا। नसाई शरीफ सफा 11, नसाई भी हमारे पास मौजूद है, नसाई किताब का नाम। उम्मुल मोमिनीन आयशा को किसी ने कहा कि लोग कहते हैं रसूल करीम खड़े होकर अरूई पे पेशाब कर रहे थे, सच है? उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा मन हद्दसकुम, जो भी तुम्हें बात करे अन्ना रसूलल्लाह प्यारे पैगंबर ने खड़े होकर पेशाब किया है, फला तो सद्दिकुहु, तुम उसकी तस्दीक न करना, उसको सच्चा न समझना। मा काना यबूलो इल्ला जालिसन, आप हमेशा बैठ कर पेशाब किया करते थे, खड़े होकर पेशाब नहीं करते थे। अब अगर आपका ईमान जज्बा दिल दिमाग अगर हाजिर है तो बताओ इन दो में से कौन सी हदीस सच्ची है? जोर से कहो, जोर से इसमें आवाज आ जाए, बैठ कर पेशाब करने वाली हदीस सच्ची है। पैगंबर खड़े होकर कभी पेशाब नहीं करते थे, वो हदीस झूठी है, वो बुखारी की है, ये नसाई की है, वो सच्ची बात है। ये जो है अगर रात के अंधेरे में भी हो तो वो दिन की रोशनी की तरह वाजे हो जाती है, कैसे सच है। रसूल कारखाना है कायनात का मुअल्लिम, अगर उस्ताद में अदब एहतराम नहीं तो बच्चों में कैसे होगा भाई? अगर मौलवी और पीर पर तमीज है तो मुरीद में तमीज कहां से आएगी? वो प्यारे पैगंबर के बारे में ये बात हो के खड़े होकर पेशाब करते थे, और तेरी बुखारी तू अपने सर पे बांध, हमें अल्लाह का कुरान काफी। हमारा वो रसूल था हया वाला रसूल, 7 घर में बंदे आए रोटी खाई,
आप उन्हें इतना ना कह सके यारो रोटी खा चुके हो अब तो चले जाओ। अल्लाह पाक को कुरान उतारना पड़ा है। जब तुम पैगंबर के घर में दाखिल हो इजाजत मांगो, इजा ताइम तुम फंता शुरू, जब रोटी खा चुको खुद ब खुद चले जाओ। और तुम बातों में लगकर ना बैठो कि प्यारा पैगंबर इन्नहु यस्तहजी, वो नबी तुमसे शर्माता है कि तुम्हें कहे यारो चले जाओ। जब रसूल में इतना शर्म हया था, प्यारे रसूल इतने शर्मीले थे कि साथ बैठे हुए बंधु को ये नहीं कह सके कि यारो तुमने रोटी खा ली है मेरे घर से चले जाओ, वो रसूल खड़े होकर पेशाब कर सकते थे। और बदतमीजी की बात बुखारी में एक और हदीस भी खड़ी है, हुज़ैफा कहते मैं पीछे हटा, मुझे रसूल करीम ने कहा कहाँ जा रहे हो, आओ मेरे साथ मिल के खड़ो। वो कहते हैं मैं रसूल करीम के पीठ के साथ पीठ मिलाकर खड़ा, उधर मुंह कर लिया, रसूल ने इधर मुंह किया हुआ था, पेशाब करते रहे। ऐसा हया वाला रसूल इस तरह पेशाब कर सकता है? झूठ है कि नहीं है? झूठ है। और झूठ को झूठ कहना चाहिए, खा वो किसी का बाप कहे दादा कहे। मेरा बाप झूठा है मैं कहूंगा झूठा है। इब्राहिम का बाप झूठा था, इब्राहिम ने कहा अब्बा इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन, अब्बा मैं तुझे भी समझता हूँ तू भी गुमराह है, तेरी सारी कौम भी गुमराह है, तुम सारे काफिर हो, मैं जान गया हूँ तुमको। इब्राहिम ने अपने अब्बे को कौम को काफिर और गुमराह कह दिया। हमारे मुर्शिद जी जीत भी बुखारी को कहते हैं बड़ी चीज है बुखारी, फला हजरत जी कहते थे, हजरत जी का ईमान उनके साथ जाए वो अपनी कब्र में, हम अपनी कब्र में जाएंगे। हजरत जी के तराजू में हमें कोई नहीं तोलेगा, हम अपने आमाल के तराजू में तुलेंगे, वो अपने आमाल के तराजू में तुलेगा, वो अपने अकीदे में तुलेगा, हम अपने अकीदे में तुलेंगे। अगर वो दिली की जिंदगी ले गए हैं तो हम जुरत ईमान को क्यों छोड़ दें, हम गलत को गलत कहेंगे बरमला कहेंगे, ईमान से कहेंगे। अल्लाह का कुरान पूरी कायनात में सच्ची किताब है, आखिरी किताब है। कुरान के मुकाबले में खिलाफ कुरान के जो भी कोई चीज हदीस हो, मौलवी का कौल हो पीर का कौल हो, वो झूठा हो। अल्लाह का कुरान सच्चा है। अल्लाह के कुरान ने नबी को शर्मीला नबी तसव्वुर किया, बताया है वो नबी शर्मीला था, ऐसा नहीं था। उम्मुल मोमिनीन आयशा भी कहती हैं कोई तुम्हें कहे रसूल ने खड़े होकर पेशाब किया तो ना माना। हम एक दफा रेवंड में जा रहे थे, मियां अब्दुल हक साहब माड़ी वाले भी हमारे साथ थे। एक आदमी जनाब वो खड़े होकर पेशाब कर रहा था एक दरख्त पर। मियां साहब कहने लगे देखो कितने बदतमीज है ये आदमी। मैंने कहा मियां साहब बदतमीज ना कहो इसको, ये तो दुनिया की नई तमीज का आदमी है, नई तमीज में खड़े होकर ही स्प्रे की जाती है दरख्तों पर, कपास पर, सब्जियों पर, ये गरीब स्प्रे कर रहा है, आप उसको बदगुमानी की निगाह से क्यों देखते हैं? आप अच्छे गुमान से देखें, वो स्प्रे कर रहा है, कीड़े मार रहा है। तो वहां बैठे हुए दोस्त हम हंसे के देखो भाई कितनी बड़ी अजीब ये काम कर रहा है, खड़े होकर पेशाब कर। आज तुम भी जिसको खड़े होकर पेशाब करते हुए देखते हो तुम्हारे जहन में भी आता है ये बदतमीजा। अल्लाह पाक हम सबको सच और सच्चाई के साथ, कुरान के साथ, सच्चों के साथ रहने की तौफीक बख्शे, जुर्रत बख्शे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।